मेरा बचपन जो है वो दिल्ली में बीता, जो बहुत ही फैंटास्टिक था। मुझे बचपन में हर एक चीज़ जो मेरी मॉम बनाकर खिलाती थी वो सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती थी। कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे पसंद नहीं आई, उनके हाथ की बनी हुई। आज भी मुझे वो चीज़ें बहुत पसंद हैं, वो कुछ भी बनाकर खिला दे मैं वो बड़े शौक से खाती हूँ। I'm Ratna, Bindra's mother. I'm really thankful to God that He has blessed me with a daughter. So nice, so hardworking, so truthful, so honest, and so much committed to her family. I also thank the team of the FoodyBuddy that they have given a platform to my daughter and she's following the right path. उसके बाद जब मैंने कुकिंग मैंने शादी के बाद शुरू की, जब मैंने पहली बार दाल बनाई तो मुझे ये नहीं पता था कि उसमें नमक और हल्दी भी डलती है। इनकरेज करने था वो मेरे मॉम ने किया, नहीं बेटा धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब तो धीरे धीरे बनाएगी। ऐसे ऐसे मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों में बढ़ता चला गया। और इस ऐप पर अब जो मैंने मेन काम शुरू किया उसके लिए मैं थैंक्स करना चाहूँगी दीपक भैया और शीला भाभी को, जिन्होंने मुझे ये काम शुरू करवा के दिया। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते जब मेरे बायर्स जिन्होंने मुझसे लेना शुरू किया, वो जो मुझे फीडबैक देते थे, जो रिस्पेक्ट वो देते थे, जब खाने के बारे में वो मुझे बोलते थे कि हमें ऐसा घर का खाना आज तक नहीं मिला है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन रहती थी। FoodyBuddy's की टीम का थैंक्स करना चाहती हूँ, उन्होंने हम जैसी लेडीज़ को एक प्लेटफॉर्म दिया है, हम जैसे लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है अपनी आइडेंटिटी बनाने का, अपने आप को साबित करने का, अपने आप को लोगों को दिखाने का कि घर में जो लेडीज़ बैठी रहती हैं या जैसे हम जैसी जो लेडीज़ हैं वो भी आगे बढ़कर कुछ कर सकती हैं। लोगों को अगर हम बाहर निकल कर कोई समाज सेवा नहीं कर सकते हैं, तो हम ऐसे बच्चों का या दूसरे ऐसे लोगों को खाना खिलाकर उनकी मदद कर सकते हैं जो घर से अपनी इतनी दूर बैठे हैं, हम उनकी सेवा कर सकते हैं। हमें ऐसा मौका दिया है इन सब ने मिलकर, तो मैं रियली बहुत थैंकफुल हूँ FoodyBuddy's की इस टीम का। और मैं चाहती हूँ, तहे दिल से चाहती हूँ कि ये जो है FoodyBuddy's जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे और बहुत आगे बढ़े। और जहाँ तक रहा मेरी फैमिली का सवाल, मेरी फैमिली की मुझे पूरी सपोर्ट रही है, मेरे बच्चों की, मेरे हस्बैंड की, उनकी सपोर्ट के बिना शायद मैं आज इस पोजीशन पर पहुंच भी नहीं पाती, आज आपके सामने नहीं बैठी होती अगर मुझे अपनी फैमिली की पूरी सपोर्ट नहीं होती। मेरे हस्बैंड के बिना मैं अकेली कोई भी ये काम जो है, खाने का काम जो है, कोई भी एक अकेला इंसान नहीं कर सकता है, उसको एक ना एक हेल्पिंग हैंड चाहिए होता है, और जो मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया है। स्पोर्ट तो देखो जी, हमेशा गाड़ी दो पहिए पे चलती है, एक पे नहीं। और जो स्पोर्ट की बात है, इट्स आवर ड्यूटी। अगर हम मैं अब जब अपना बिजनेस करता हूँ, मैं पिछले 30 साल से अपने ओन बिजनेस में था, तो इसने मेरे को पूरी की पूरी सपोर्ट की है। जब आप ये अपना करने जा रही है तो इसको मेरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ी, मैंने इसको पूरा गाइड किया। फिर मेरा भी इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि जब ये बच्चे हमारे पास, जो हमारी प्लेटिनम सिटी के बाहर एक NIDS कॉलेज है, वहाँ बच्चे हैं, तो बच्चों ने आके हमारे को एक जस्ट मदर एंड फादर का, मतलब कि एक दर्जा दिया है उन्होंने हमें माँ बाप का,